इसलिए सारा टमाटर का पानी निकाल दीजिएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज बनाऊंगा फ्राइड राइस। ये मेरी बैचलर एक्सपेरिमेंट सीरीज का थर्ड वीडियो है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने सब कुछ पहले से प्री सेटअप करके रखा हुआ है, मैं आपको वन बाय वन सब कुछ बताता हूँ। यहाँ मैंने सारी चीज़ें पहले से ही चॉप करके रखी हुई हैं। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको फाइन छोटा छोटा काट लिया है। उसके बाद मैंने 1 ऑनियन लिया है, और ये है हरी मिर्च और जिंजर, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है एकदम बारीक। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए ये मैंने हरा धनिया रखा हुआ है। और देन ये मैंने चावल लिए हैं, चावल को मैंने मतलब एकदम से बॉईल कर लिया है, बट मैंने इसको थोड़ा इसके अंदर रॉनेस रहने दी है, सो दैट लास्ट में एकदम खिले खिले बने। आप देख सकते हैं एकदम, मतलब एकदम नहीं उबाला है कि एकदम चिपक जाए, स्टिक हो जाए दूसरे से, बट थोड़ा रॉनेस मैंने इसके अंदर छोड़ी है। चलिए फ्लेम ऑन करते हैं, पैन में रखकर फ्लेम ऑन करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ये है मस्टर्ड सीड्स, इसको हम राई भी बोलते हैं, छोटी वाली राई है, इसको डाल देते हैं। मुझे राई जीरे से ज़्यादा राई पसंद है, हेल्थी भी अच्छा है, डाइजेस्ट अच्छा करता है खाना, एसिडिटी नहीं होने देता। चलिए तब तक ये गर्म हो रहा है, देख सकते हैं राई एकदम अच्छे से एकदम गर्म हो चुका है, थोड़ा बॉयलनेस आ गई है इसके अंदर थोड़ा सा। अब हम डाल देंगे इसके अंदर चॉपी हुई ऑनियन, और ये हरी मिर्च कटी हुई, और जिंजर, तो इसको हम थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब तो फ्लेम एकदम कम रखिएगा, इसको ब्राउन होने तक हमें फ्राई करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो चुका है, इसको मैंने तब तक फ्राई किया जब तक ये ब्राउन ना हो गया। अभी ब्राउन हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, जितना आपको चाहिए उतना सॉल्ट डालिए। मैं थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से डालता हूँ, अच्छे से सॉल्ट कर लीजिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने टोमेटो चॉप किया था वो डाल देंगे, और ये याद रखिएगा टोमेटो का सारा जो वाटर है ना वो सारा निकल जाना चाहिए, सारा ना तो पानी सही नहीं रहेगा, उससे जो चावल होंगे फिर चिपक जाएंगे, इसीलिए सारा टमाटर का पानी निकाल दीजिएगा। इसको भी थोड़ा भून लीजिए करते सर। आप इसमें डाल सकते हैं ये मैंगो पाउडर, इसको अमचूर पाउडर भी बोलते हैं, ये डाल दीजिए। और ये लाल मिर्च, मतलब ये MDH की लाल मिर्च है, ये भी डाल सकते हैं, इससे कलर आ जाएगा अच्छा। और ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर से हम बोलते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छे से मतलब जो करिए एकदम रेडिश हो गया, पूरा एकदम मिक्स हो चुका है। जब तक इसको करिए तब तक थोड़ा सा तेल जो है ना सूख ना जाए, धीरे धीरे फ्राई हो गया। इसमें से तेल जो है सेपरेट हो चुका है, इसमें तेल जो है ना सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे माय ऑल टाइम फेवरेट मैगी मसाला, और आप इस ये ऑप्शनल है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको डालना ही है, ये ऑप्शनल है, मगर मुझे पसंद है तो मैं डालता हूँ।
इससे थोड़ा टेस्ट जो है ना एनहेंस हो जाता है। पूरा पैकेट नहीं, आधा शैसे डालें, ज़्यादा नहीं। और ये भी ऑप्शन है, आप हींग डालना चाहे तो हींग डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। एकदम बढ़िया सा पेस्ट रेडी हो गया। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसके अंदर। अब बारी है राइस की। अब सारी राइस इसके अंदर डाल दीजिए धीरे धीरे, और ज़्यादा तेज हमको शेक नहीं हिलाना नहीं है ज़्यादा, अथवा चावल टूट जाएंगे फिर, इसीलिए धीरे धीरे करके हमको हिलाना है। अच्छे अच्छे से मिक्स करिए धीरे धीरे तेज में। ये मेरी गारंटी एकदम, मतलब सेपरेट सेपरेट खिले के लिए बनेंगे चावल, एक भी दाना चिपकेगा नहीं दूसरे से। बहुत हेल्दी है और जल्दी ही बन जाते हैं, बैचलर्स के लिए तो ये बेस्ट है। ये तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, मतलब ये मुश्किल से 10 मिनट्स, हार्डली 10, इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू प्रिपेयर दिस। अब देख सकते हैं ये एकदम तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, देखिए एकदम मतलब खिले खिले बने, बिकॉज कि हमने जो बॉईल किया था राइस वो हमने पूरा बॉईल नहीं किया था, थोड़ा सा हमने कच्चा छोड़ दिया था, तो उसको खिले खिले बनते हैं। और ये ऐसे मतलब बन बन के वो राइस जो है वो पूरा पक गया होगा। देखिए ना परफेक्ट। अब इसकी जल्दी से टेस्टिंग करते हैं, अब इसको थोड़ा गार्निश भी कर देते हैं ओलियंडर से। थोड़ी देर पैन से ढक के रख देंगे 2 मिनट। चलिए ओपन करके देखते हैं। बढ़िया, अभी रेडी हो चुके हैं, अब इसको सर्व करते हैं और टेस्टिंग करके बताता हूँ कैसे लग रहे हैं। बाकी खुशबू तो एकदम बाजार जैसी आ रही है, ऐसे मार्केट में हम खाते हैं ना ये ढाबा के अंदर एंड अपने स्टॉल के अंदर चाइनीज़ वाली, तो वैसी लग रहे हैं एकदम, स्मेल वैसी आ रही है। चलिए जल्दी से टेस्टिंग करते हैं। ये फ्राइड राइस रेडी है आपके सामने, जल्दी से टेस्टिंग करते हैं, बताता हूँ कैसे लग रहे हैं। परफेक्ट। परफेक्ट लग रहा है, कितनी जल्दी आपके सामने मैंने बनाया, प्रिपेयर हो गया सब कुछ, एकदम परफेक्ट बने। और इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम अपने रेस्टोरेंट में खाते हैं फ्राइड राइस वैसा ही आ रहा है, और उसके कंपैरिजन तो ये कुछ भी कॉस्टली नहीं पड़ा मेरे को। और इसको मैं डेली खाने के लिए आपको रिकमेंड भी करता हूँ, आप डेली खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत हेल्दी है, राइस ही है और बाकी सभी वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये बहुत टेस्टी बने। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी, टिल देन बाय।